इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में विरोधी खेमे ने नया सीएम चुन लिया है। बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी को हटाकर कालिको पुल को नया मुख्यमंत्री चुना है। इस पूरी प्रक्रिया को एक होटल में अंजाम दिया गया। नए सीएम को चुनने में कांग्रेस के 21, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय एमएलए शामिल थे, जबकि नबाम तुकी खेमे का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। नए सीएम को चुनने के बाद नबाम तुकी के समर्थकों ने ईटानगर के रास्तों को जाम कर दिया ताकि डॉक्यूमेंट गवर्नर हाउस तक ना पहुंच पाए। इससे पहले बागी विधायकों ने नबाम तुकी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया था।